हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले एक इम्पोर्टेंट मेडिकेशन बुस्कोगस्ट या हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो बुस्कोगस्ट एलिविएट्स पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द स्टोमक स्टेमिंग फ्रॉम वेरियस कॉजेज लाइक मैस्चुरेशंस, इनडाइजेशन, फ्लैट्यूलेंस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एटसेट्रा। मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फ्लैट्यूलेंस, इनडाइजेशन या मैस्चुरेशन, इसके कारण होने वाले स्टोमक पेन को या उस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए बुस्कोगस्ट या हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शंस देते हैं। दिस टेबलेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिंस, वन ऑफ द विच रिलैक्सेंस द गट मसल्स वाइल द अदर एक्ट एज एन एनाल्जेसिक्स। ये जो मेडिकेशंस हैं जो गट मसल्स को रिलैक्स करती हैं और एज ए एनाल्जेसिक्स के रूप में काम करती है। बात करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, रिलैक्स स्मूथ मसल्स इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, उसको रिलैक्स करेगी। और जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाएगी तो स्पाजम और जो क्रैम्प होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की। तो ऐसे पेशेंट जो बुस्कोगस्ट मेडिसिन का रेगुलर यूज़ करते हैं उनमें ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन मतलब धुंधला दिखना, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन या यूरिनरी रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, तो हमें ये मेडिकेशन डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुस्कोगस्ट के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो मतलब ऐसे पेशेंट जिनमें बुस्कोगस्ट जो मेडिकेशंस हैं वो नहीं दी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिससे हाइपर सेंसिटिविटी हो, नैरो एंगल ग्लूकोमा पेशेंट वालों को नहीं देते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसको ये मेडिकेशन नहीं देते हैं, और जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उन पेशेंट को बुस्कोगस्ट मेडिकेशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुस्कोगस्ट के यूजर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेडिकेशंस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डाइवर्टिकुलाइटिस, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, एब्डोमिनल पेन एंड क्रेम्प, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मेस्ट्रुअल क्रेम्प्स या रीनल कॉलिक मतलब रीनल का जो पेन होता है किडनी स्टोन का, वो पेन को कम करने के लिए मेडिकेशंस देते हैं। अब बात करते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस की। तो डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइवर्टिकुला। ये क्या होता है? ये स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है उसका स्मॉल कॉलोन का ये पार्ट होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब ये मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुस्कोगस्ट के प्रिक्वेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ विथ कॉशन इन पेशेंट विथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है तो उस पेशेंट के लिए यह मेडिकेशन नहीं देते हैं। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, मतलब एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी के साइन होते हैं तो उसको मॉनिटर करते हैं। एवॉइड लॉन्ग टर्म यूज़, इसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ विथ कॉशन इन पेशेंट विथ रीनल एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट। ऐसे पेशेंट जो रीनल और हेपेटिक डिजीज़ है उनमें भी यह मेडिकेशन देने से पहले सोचना चाहिए। तो ये सारे प्रिक्वेशन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखा जाता है और सनलाइट से दूर रखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।